हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस वेदर फोरकास्ट बाय द यूज ऑफ बैरोमीटर। मतलब बैरोमीटर की हेल्प से हम मौसम के बारे में पूरा अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर एंड द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर एट दैट प्लेस। मतलब ये कि अगर हम किसी पर्टिकुलर प्लेस के की बात करें तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंजेज आ सकते हैं। अगर हम टेम्परेचर में चेंजेज लाएँ या फिर जो भी वहाँ पे वाटर वेपर प्रेजेंट है, मतलब जो भी मॉइस्चर है उसमें अगर चेंजेज लाएँ, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंजेस दिखेंगे। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर और द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इंक्रीजिंग। मतलब ये कि अगर हम किसी पर्टिकुलर जगह पे अगर हम बात करें, पर्टिकुलर प्लेस की बात करें, अगर हम वहाँ के टेम्परेचर में चेंजेस लाएँ, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करें या फिर वहाँ के मॉइस्चर को इंक्रीज करें, तो कहीं ना कहीं उसके वजह से जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, ठीक है। दस द चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेल्प अस टू नो अबाउट द वेदर इन एडवांस। मतलब ये कि अगर हम किसी पर्टिकुलर प्लेस के टेम्परेचर या फिर उसमें हम बात करें कि मॉइस्चर में अगर कुछ इंक्रीज कर दें, तो उसके वजह से जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करेगा उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि आज का मौसम कैसा होगा, मौसम के बारे में हम पूर्वानुमान कर सकते हैं। ओके, देखते हैं, बात करते हैं कि सबसे पहले कि केस फर्स्ट पॉइंट कि अगर हम ये कहें कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे अगर हम बैरोमीटर की बात करें, तो अगर बैरोमेट्रिक हाइट क्या करें वो फॉल हो जाए, ठीक है, मतलब डिक्रीज हो जाए, बैरोमेट्रिक सडनली फॉल हो जाए, ठीक है, गिर जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका मतलब कि वहाँ पे या तो स्टॉर्म आने वाला है, ठीक है, तूफान आने वाला है, या फिर साइक्लोन टाइप का वहाँ पे कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। ओके, साइक्लोन या फिर स्टॉर्म, मतलब ये कि अगर हम बैरोमेट्रिक हाइट की बात करें, वो अचानक से नीचे होता है, ठीक है, गिरता है, तो इसका मतलब क्या, हाइट में अगर अचानक से कमी आएगी, इसका मतलब कि वहाँ पर तूफान आने की संभावना है, साइक्लोन वगैरह आने की पॉसिबिलिटी होती है। सेकंड पॉइंट, अगर हम ये बात करें कि वो बैरोमेट्रिक हाइट क्या हो, धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज करें, बैरोमेट्रिक हाइट क्या हो, ग्रेजुअली डिक्रीज करें, फॉल करें, तब क्या होगा, मतलब ये कि बैरोमेट्रिक हाइट ग्रेजुअली, ठीक है, अगर ग्रेजुअली फॉल हो, इसका मतलब ये होगा कि पॉसिबिलिटी ऑफ रेन, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ रेन, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि बैरोमेट्रिक हाइट में अचानक से कमी आने लगे, ठीक है, इसका मतलब कि स्टॉर्म होगा या साइक्लोन होगा, बट अगर वो धीरे धीरे फॉल हो, धीरे धीरे वो बायोमेट्रिक हाइट अगर वो डिक्रीज करे, तो इसका मतलब ये होने वाला है, बायोमेट्रिक हाइट डिक्रीज होने का मतलब ये कि जब हाइट डिक्रीज होगा तो प्रेशर भी क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो हम अगर ये कहते हैं कि धीरे धीरे अगर डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी ऑफ रेन, ठीक है। थर्ड, बायोमेट्रिक हाइट ग्रेजुअली इंक्रीजेज, अगर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, मतलब धीरे धीरे अगर वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मतलब जो वेदर होगा वो कहीं ना कहीं ड्राई होगा। ओके, देन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ ड्राई वेदर, ठीक है। और अगर हम यही बात करें कि अचानक से क्या हो, वो जो भी बायोमेट्रिक हाइट है वो क्या हो, सडन इंक्रीज हो, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जो वेदर होगा वो क्या
एक्सट्रीमली ड्राई का मतलब ये कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, ठीक है। ठीक, और सबसे खास बात ये कि अगर वर कह सकते कि नो चेंज इन बायोमेट्रिक हाइट, अगर बायोमेट्रिक हाइट में कोई चेंज हो ही ना, इसका मतलब क्या है, नो चेंज इन वेदर, मतलब रिमेन्स अनचेंज। कुल मिलाकर हम ये देख सकते हैं कि अगर हम किसी पर्टिकुलर प्लेस के टेम्परेचर की बात करें, उसमें इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए या फिर वहाँ मॉइस्चर इंक्रीज हो जाए, तो बायोमेट्रिक जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो डिक्रीज करेगा। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर प्लेस का जो भी वेदर वो कैसा होने वाला है, ठीक है। अब बात करेंगे कि अगर बायोमेट्रिक हाइट सडनली अगर वो फॉल्स होता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि सडनली फॉल्स होने का मतलब कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो सडनली अगर कम होने लगता है, तो इसका मतलब कि वहाँ पे स्टॉर्म साइक्लोन आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बट अगर वो धीरे धीरे फॉल्स होता है, बायोमेट्रिक हाइट मतलब प्रेशर धीरे धीरे अगर डिक्रीज होता है, इन दिस केस पॉसिबिलिटी ऑफ रेन, मतलब वहाँ पे रेन की पॉसिबिलिटी है। इसी तरीके से अगर वो धीरे धीरे इंक्रीज करने लगे तो फिर वो मौसम क्या होगा, धीरे धीरे वो ड्राई होने लगेगा, ठीक है। देन इन दिस केस ड्राई वेदर, ठीक। नेक्स्ट, अगर अचानक से अगर हम बात करें कि बायोमेट्रिक हाइट है वो अचानक से इंक्रीज कर जाए, ठीक है, सडन इंक्रीज का मतलब ये कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो वो इंक्रीज कर जाए, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, एक्सट्रीमली ड्राई वेदर, मतलब जो वेदर वो और ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हम बात करें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई चेंजेस हो ही ना, बायोमेट्रिक हाइट में कोई चेंजेस हो ही ना, इन दिस केस देयर विल बी नो चेंज इन वेदर, ओके, मीन दैट वेदर रिमेन अनचेंज, ओके, वेदर रिमेन अनचेंज्ड, ओके, थैंक यू सो मच।